जय हिंद एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन, और मेरा नाम है कीर्ति पांडे और आज हम लोग बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स फोर्थ ऑफ जनवरी आज का डेट है बहुत सारे न्यूज है बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करने हैं सो लेट स्टार्ट यस देखे सक्सेस डजेंट जस्ट फाइंड यू यू हैव टू गो आउट एंड फाइंड सक्सेस यानी कि अगर आप सफलता खोज रहे हैं तो ऐसा नहीं होता है कि अरे देखेंगे जो होगा देखा जाएगा या फिर हमको अगर लिखा होगा मेरे नसीब में तो हमको सरकारी नौकरी मिल ही जाएगा ऐसा कुछ नहीं होता है आपको उठना होता है टाइम पे और उसके बाद एक रूटीन बनाना होता है 10-12 घंटे पढ़ना होता है कंपटीशन में अपने आप को आगे रखना होता है फॉर्म फिल करना होता है टाइम पे उसको सही से करेक्टली फिल करना होता है फिर एग्जाम देना पड़ता है सिलेक्शन पाना पड़ता है ये सब आपको करना है दिस जैसे कि बोलते हैं ना कि दुनिया एक रंगमंच है हम लोग कठपुतली है तो ये आपका रोल है रोल जो कैरेक्टर लिखा गया है ना दैट इज योर रोल यू हैव टू बी द हीरो ऑफ योर लाइफ ठीक है भगवान जी ने लिख के भेजा है लेकिन अगर आप अपना रोल ही नहीं करेंगे तो फिर क्या मतलब ऐसे मेरे नसीब में लिखा हुआ है अगर हमको डिफेंस में जाना है तो तो हो ही ना जाएगा ऐसा नहीं होता है ठीक है सो वेक आप और उसके बाद आप अपना रोल जो है उसको अदा करना शुरू करिए राइट गुड मॉर्निंग यस वेरी गुड मॉर्निंग चलिए द फर्स्ट थिंग इज रिजर्व बैंक जो है आरबीआई उसने एक्सटेंड कर दिया है डेडलाइन फॉर फॉर प्रियोडिकार्च अब ये 31 मार्च थार 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 थार। तक के तक सी मतलब नो योर कस्टमर ठीक है तो इसने एक्सटेंड कर दिया है इतना तक और एक्सटेंशन क्यों किया है क्योंकि जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन ये आ गया है तो लोगों को टाइम लगेगा जो बोलते हैं ना केवाईसी अपडेट करा लो तो अब 31 मार्च तक आप कर सकते हैं ठीक है द नेक्स्ट थिंग इज एल ने शुरू किया डिजी डिजी जोन टू सेल पुल टू सेल पॉलिसीज ऑनलाइन तो एल आई सी वाला नहीं हमेशा हर घर में ना कोई एल आई सी एजेंट होता है तो हम लोग ये भी मोहल्ले में एक अंकल थे बोलते थे कि एल आई सी करवा लो एल आई सी करवा लो हम लोग बोलते थे ओ मतलब कि जिंदा रहे गरीबी में और मरेंगे अमीरी में मतलब ऐसा बोला जाता है तो एल आई सी जो है इसने इनाग्रेट किया है जोन और ये बंद्रा कु कॉम्प्लेक्स मुंबई में इसका है हेडक्वार्टर तो वहां पे इसने स्टार्ट कर दिया है ऑनलाइन भी अब आप पॉलिसी ले सकते हैं एल का इनका फोटो देख के आप बता दीजिए कौन है ये या एल के चेयरमैन एम कौन है ठीक है विनय कुमार त्रिपाठी बन गए हैं चेयरमैन और सीईओ रेलवे बैंक के ये सब याद रखिए अभी यही पूछेंगे और कल भी यही पूछेंगे अभी यही सारा क्वेश्चन है इसको ध्यान दीजिए फिर देखें ये नवीन पटनायक है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोलिटिशियन ठीक है सीरियसली इफ अ पॉलिटिशियन इज ग्रेट तो उन्होंने कुछ तो भला काम किया है है ना तो नवीन पटनायक ने लॉन्च किया है ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी एंड सबमिशन ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट फॉर पेंशनर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट तो यानी कि वो बोलते ना कि तुम जिंदा हो तो तुमको पेंशन नहीं है मुसद्दी लाल और आप देखे ऑफिस ऑफिस तो वही इन्होंने लॉन्च कर दिया है कि ऑनलाइन आप वेरीफाई करवा सकते हैं ठीक है चीफ मिनिस्टर ने वर्चुअली इसको लॉन्च किया इनिशिएटिव को और यहाँ पे बोला जाएगा ओरिएंटेशन प्रोग्राम ऑफ 153 ऑफिस ऑफ ओडिसा सिविल सर्विसेज क्लियर है बलदेव प्रकाश ने जो है वो बन गए एमडी और सीईओ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक बलदेव प्रकाश एमडी एंड सीईओ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक ये बन गए इसको ध्यान रखिएगा और ये अब चार्ज लेंगे देखिए फ्रॉम द डेट ऑफ टेकिंग चार्ज दस अप्रैल को ये चार्ज लेंगे विच एवर इज अर्ली तो अपॉइंटमेंट विल बी अफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ टेकिंग चार्ज या तो वो पहले चार्ज ले ले या दस अप्रैल तक उनको चार्ज लेना ही लेना है क्लियर हो गया है अपार्ट फ्रॉम हिम आर के चिंबर जो है इनको एडिशनल डायरेक्टर बनाया गया आर के चिंबर एडिशनल डायरेक्टर बलदेव प्रकाश एम डी एन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक नेक्स्ट थिंग इज देखिए एक जनवरी को हम आपको बोलना भूल गए कि सिक्सटी फोर्थ फाउंडेशन दिवस है डीआरडीओ का आपको पता है मैं डीआरडीओ फैन हूँ इसलिए मैं डीआरडीओ फैक्ट्स पे भी बात करती हूँ कल मैंने कर, 20 क्वेश्चंस करवाए हैं जिसने नहीं देखा है देख लीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट और क्विक मतलब 15 मिनट में शायद मैंने 20 क्वेश्चंस करवा दिए तो उसको देख लीजिएगा ठीक है तो डिफेंस डीआरडीओ जो है इसका 64th फाउंडेशन दिवस मन गया है 1958 में ये बना था 10 लेबोरेटरी टू इनहस पहले दस लैब थे इसमें ताकि हमारा डिफेंस जो है वो बढ़ सके एट द टाइम इट वॉज टास्ड और अभी ये क्या करता है हमारे डिफेंस को सारे तरीके का साइंस और टेक्नोलॉजी अवगत कराता है फिर ये न्यूज तो आप लोग जानते ही होंगे पुराना न्यूज है कि यूपी में झांसी रेलवे स्टेशन इसका नाम क्या हो गया है विरंगना लक्ष्मी बाई रेलवे स्टेशन ठीक है झांसी का नाम जो है लक्ष्मी बाई रेलवे स्टेशन हो गया है और ये भी अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिए हैं कल कौन किए थे कल भी एक प्लेयर थे जो रिटायरमेंट अनाउंस कर दिए हैं ये भी कर दिए इनका नाम है क्विंटॉन डी कोक इन्होंने अनाउंस कर दिया है साउथ अफ्रीका के विकेट कीपर है कि अब मेरा हो गया भाई अब हम नहीं खेलेंगे हिज अनाउंसमेंट केन जस्ट आफ्टर साउथ अफ्रीकन एक सौ तेरह डिफीट टू इंडिया इन फर्स्ट टेस्ट ऑफ थ्री मैच सीरीज ठीक है तो उसके बाद इन्होंने अनाउंस कर दिया कि अब

तो यहाँ पे इसको एक्वायर कर लेगा गांधीनगर में गिफ्ट सिटी हमेशा पूछता है कि गिफ्ट सिटी कहा है तो ये गांधीनगर में है गिफ्ट सिटी बेस्ड ये क्या है मार्केट मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन है नेक्स्ट थिंग इज जसप्रीत बुमराह जो है उन्होंने अचीव किया है माइल स्टोन ऑफ पिकिंग हंड्रेड टेस्ट विकेट तो जसप्रीत जसप्रीत बुमराह ने अचीव किया है सौ विकेट लेने का किस चीज में टेस्ट में लेने का अवे फ्रॉम होम इन 22 टू मैचेज में ये सौ विकेट ले चुके हैं और बुमराह जो है बुमराह हंड्रेड टेस्ट विक्टिम जो है इनका नाम क्या है देख लीजिए वैन डेट दुसेन ये आप जानते हैं किस कंट्री के क्योंकि इनके साथ ही अभी मैच हो रहा है और जसप्रीत बुमराह जो है अट्ठाईस साल के हैं 105 विकेट आउट ऑफ विच 101 हैव कम अवे फ्रॉम होम यानी कि 101 जो है भारत से बाहर जाके लिए हैं क्लियर है जसप्रीत बर्मा 104 हो गया ये सौ अठारह हो गए मोहम्मद आमिर पाकिस्तान के माइकल होल्डिंग जो 136 हो गए वेस्ट इंडीज के जहीर खान ही माय फेवरेट आई लाइक पेसर मुझे पेस बॉलर ज्यादा पसंद है स्पिनर से आप लोग भी बताइएगा आपको स्पिनर ज्यादा पसंद है कि पेसर ज्यादा पसंद है और वन मोहम्मद शामी एक हो गए हैं और एंडी रॉबर्ट जो है ये भी एक हो गए हैं तो इतना इतना विकेट ये लोग ले चुके हैं क्लियर है हाँ मुझे एक्चुअली पेसर इसलिए ज्यादा पसंद है क्योंकि क्रिकेट में बोलते हैं कि सबसे ज्यादा इंजरी जो है वो पेसर्स को होती है उनका पूरा एजम ऐसे लगता है ना और स्पिनर्स आई डोंट लाइक कंपेरिटिवली वैसे आई कैन ऑल्सो बोल आई एम अ यॉर्कर ठीक है मैं यॉर्कर करती हूँ फिर आप देखें ये देखिए इसको ध्यान से सुनिए कल ये क्वेश्चन भी हम पूछे थे केरला वेटनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी ठीक है केरला वेटनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी को कंजर्वेशन अवार्ड मिला है 2021 के लिए ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन पोल्ट्री पोल्ट्री यानी कि ये गाय भैंस का ब्रीडिंग कराते हैं और मनुथनी अंडर द केरला वेटेनरी एंड एनिमल रिस एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी तो ये कवासू जहां पे भी लिखा हुआ दिखेगा उसी को टिक मार दीजिएगा ये देखिए कौन है ये बताइए यहाँ क्या लिखा होना चाहिए था कोई डीजी बने हैं ये किसी चीज के और किसी पैरा मिलिट्री के बने हैं जो सी में आता है अब आप बताइए यहाँ पे क्या होना चाहिए था ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया है कौन नाम मत बताइए कोई बात नहीं डीजी बने हैं सीएपीएफ के, के वो बताइए गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है नाइनटीन ट्रांच ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड देखिए गवर्नमेंट जो है उन्होंने अभी किया है मतलब एडिशन समझ लो ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड ठीक है ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड विच विल बी ओपन फॉर सेल एक से लेके दस जनवरी तक इसका सेल होगा अहेड ऑफ अहेड ऑफ असेंबली इलेक्शन कहां कहां होगा देखिए ये सुनिए उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पंजाब हिमाचल हिमाचल प्रदेश और गोवा इस पांच जगह में अब असेंबली इलेक्शन होने वाला है ये पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड हिमाचल गोवा और कौन सा जगह है पंजाब में होने वाला असेंबली इलेक्शन और एसबीआई ने बोला है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है इसको अब इशू कर दिया जाएगा तो जिसको भी पार्टी को फंडिंग करना है वो पार्टी को टेबल के नीचे से पैसा नहीं देगा जाके इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदेगा नेक्स्ट आप देख सकते हैं हाँ जी अच्छा आपके फादर स्पिन बॉलर इसलिए आपको स्पिनर पसंद है ओके okay. ओके okay, बढ़िया बढ़िया फिर नेक्स्ट देखें आप यहाँ पे दानिश सिद्दीकी आप जानते होंगे कि अफगानिस्तान में एक जर्नलिस्ट है जिनका डेथ हो गया था और अफगानिस्तान के ये जो जर्नलिस्ट हैं इनका नाम है दानिश सिद्दीकी पोस्ट थॉमसली इनको एक अवार्ड मिला है जिसका नाम है मुंबई प्रेस क्लब रेड लिंक अवॉर्ड ठीक है रेड इंक अवार्ड मुंबई प्रेस क्लब रेड इंक अवार्ड पोस्ट थॉमसली दानिश सिद्दीकी को मिला है जिनका निधन हो गया था अफगानिस्तान में ठीक है वर्ल्ड लॉन्गेस्ट मेट्रो ये कहा खुलेगा चाइना में खुलेगा और चाइना क्या कर रहा है शंघाई हैज ओपन टू न्यू मेट्रो लाइन अपलोडिंग इट्स रैंक एज द सिटी लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क इन द वर्ल्ड विद द न्यू लाइन द टोटल लेंथ ऑफ शंघाईज मेट्रो नेटवर्क एक्सटेंडेड 831 तो 831 किलोमीटर्स ठीक है तो किलोमीटर तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट हो जाएगा और चाइना शंघाई में इसको खोला गया है टू न्यू मेट्रो लाइन 14 एंड फेज वन ऑफ 18 इतना नहीं पूछेगा बस शंघाई याद रखेगा ठीक है क्या आप लोग अपने में बात कर रहे हैं अच्छा एस एस बी नहीं है एस एस बी नहीं है चले नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए अब उसी समय से पहला सवाल आपके सामने है इसका जवाब दीजिए जल्दी से बहुत इजी है है ना लक्ष्मी बाई जी के नाम पे एक स्टेशन का नाम रखा गया पहले कौन सा ये स्टेशन था हरियप <coughs> अभी तुरंत बताया मैंने तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए ये क्या हो जाएगा झांसी सीएम जो है आदित्य योगी नाथ उन्होंने अनाउंस किया है कि रानी लक्ष्मीबाई जी के नाम पे ये स्टेशन का नाम हो जाएगा वेरंगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन अंडरस्टूड है नहीं सीआरपीएफ भी नहीं है और ये नोटिफिकेशन जो है यूपी गवर्नमेंट ने अभी अभी अनाउंस किया है पहले मुगल सराय का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रख, रख दिया गया है और अयोध्या कैंट फैजाबाद जो है उसका नाम अयोध्या कैंट हो गया है और कुछ न्यूज आप देख लीजिए कि अयोध्या वही फैजाबाद का नाम हो गया अयोध्या कैंट और अलीगढ़ का नाम हो गया हरीगढ़ हरीगढ़ कितना नाम बदलते हैं और काकोड़ी रेल एक्सीडेंट का नाम हो गया है काकोड़ी ट्रेन एक्शन एक्सीडेंट नहीं रहेगा ये फिर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये मैंने कल बताया था कि जवाहरलाल नेहरू मार्ग जो है उसका भी नाम बदल दिया गया है जवाहरलाल नेहरू मार्ग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है जो कि नहीं क्या रख दिया गया वो तो पता ही अपने को नरेंद्र मोदी मार्ग लेकिन ये किस स्टेट में है ये बताइए जल्दी से तो ये है सिक्किम में है ना सिक्किम में क्या हुआ है सिक्किम के गवर्नर है गंगा प्रसाद जी गंगा प्रसाद जी बोले कि जवाहरलाल नेहरू जी का नाम बदलकर मोदी जी ट्रेंड में है तो इनका नाम रख दीजिए और ये एक्चुअली रोड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक स्ट्रेटेजिक रोड है जो कि नथुला के पास है और दो जगह की दूरी को बहुत ज्यादा कम कर देगा ठीक है क्लियर है नेक्स्ट आप देखें सिक्किम के गवर्नर गंगा प्रसाद चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तमांग उसके बाद सिक्किम में बाईचुंग भूटिया स्टेडियम जो है ये बना है नामची सिक्किम में बाइचिंग भुटिया क्या खेलते हैं फुटबॉल है ना उसके बाद आप देखें कि नथुला पास जो है ये सिक्किम में देखिए पास वगैरह याद कर लीजिएगा बोमडिला पास कहाँ है नथुला पास कहाँ है जेपला पास कहाँ है तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे वैसे आप जोग्राफी में पढ़ ही रहे होंगे फिर आप देखें आर्मीज ग्रीन फर्स्ट ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेशिंग प्लांट ये भी सिक्किम में है अब सिक्किम में इससे ज्यादा कुछ भी करंट अफेयर आपसे नहीं पूछेगा बस इतना याद रखिएगा कि ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेशिंग प्लांट आर्मी का ठीक है इंडियन आर्मी का ये जो है सिक्किम में है कोई डाउट नहीं है अंडरस्टूड चले नेक्स्ट क्वेश्चन है ना <coughs> यार ये सारा क्वेश्चन बताया हुआ एकदम मजाक मत करिएगा ठीक है नए ब्रांड एम्बेसडर कल ही हम बताएं कि बताए यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस अब हम कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछते जो हम बताते नहीं है पहले हम बताते हैं फिर हम पूछते हैं हो सके आज ही पूछ ले या हो सके कल पूछेंगे ठीक है चलिए तो ये हम बताए थे फोटो भी दिखाए थे यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गया और अब तो मजाक मजाक में क्लास चलना चाहिए अब हम चाहते हैं ना कि इतने दिन में भी क्लास बड़ा एफर्टलेस हो जाए एक मैडम ये तो बताई थी इस विकास रावत तो बताई नहीं थी कुछ इनके बारे में बताई नहीं थी ये दो बार क्यों लिखा हुआ है अशोक भूषण भी नहीं बताई थी अनुपम रे बताई थी शायद है ना तो अनुपम रे जो है सीनियर डिप्लोमेट है और ये फोटो भी दिखाए थे हम इनको बना दिया गया यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन डिसमेंट जो कि जेनेवा में है ठीक है ये याद रखेगा कि जेनेवा में है जहां पे भी बोलेगा कि बंदूक नहीं चलाना है तो जेनेवा में होता है बड़ा शांत जगह है ये इंडियन फॉरेन ऑफिसर थे 1994 बैच के भगवान करे आप लोग भी जल्दी जल्दी ऑफिसर बनिए और फिर इनको बना दिया गया पंकज शर्मा को ये रिप्लेस कर देंगे और देख लीजिए ट्विटर में प्रयाग ये प्रयाग अग्रवाल जो है वो बन गए हैं संबित पात्रा जो है वो इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के बन गए कल भी बताए थे हम और प्रदीप शाह जो है वो नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी देखिए जब बैंक को कोई पैसा नहीं देता है तो बैंक क्या करता है कि ये असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को दे देता है कि तुम असेट ले लो उसका बेच देना जो पैसा होगा वो हमको दे देना तो वो प्रदीप शाह जो है वो बन गए हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है देखिए अभी हम बोले ये कल बोले थे इलेवेंथ इंडियन बॉलर टू टेक टू हंड्रेड विकेट इनका फोटो भी हम दिखाए थे कि टेस्ट क्रिकेट दो सौ विकेट लेने वाले कौन थे तो बताए थे ना फोटो दिखाए थे ना बुमराह बुमराह नहीं है तो विकेट लिए हैं तो कौन हो जाएगा शामी है ना भुवनेश्वर कुमार तो अभी न्यूज में है नहीं जसप्रीत बुमराह सौ ईशान शर्मा भी न्यूज में नहीं है तो मोहम्मद शामी मोहम्मद शामी ने क्या किया ये इलेवेंथ इंडियन बॉलर है जिसने 200 विकेट इन टेस्ट ले लिया है बस 55 विकेट खेल के यानी एवरेज कितना हो गया एक में ऑलमोस्ट चार मतलब साढ़े तीन इस तरह से ले लिया है सही है तो ये फिफ्थ इंडियन फास्ट बॉलर है शामी भी क्या है फास्ट बॉलर है ऐसे शामी के लाइफ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है uh, मुझे श्योर नहीं है लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि वो एकदम झोपड़ी में रहते थे मतलब जैसे बहुत गरीब लोग जिस तरह नहीं स्लम एरिया में रहते हैं उस तरह से शामी वहां रहते थे वहां से निकल के आए हैं अभी एक और कौन सा प्लेयर है जो गुपचुप बेचता था मतलब ऐसे ही गुपचुप बेचता था और इसके बाद प्रैक्टिस करने जाता था तो आप सोच रहे हैं मतलब अगर सच में सक्सेसफुल होना है ना तो ना कोई भी बहाना नहीं चलेगा पता है मतलब तुम अगर नहीं खड़े हो घर में मार पड़ रहा है घर से पैसा नहीं मिल रहा है तुम बहुत क्योंकि तुम्हारे घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया या फिर तुम सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो क्योंकि कुछ भी बहन का शादी कराना था उसको ये पैसा देना था ऐसा तो कोई यू कमिंग फ्रॉम No where. मतलब जीरो लेवल भी नहीं, माइनस लेवल उस इंसान ने अपना प्लेटफॉर्म भी सेट नहीं किया है सक्सेसफुल हो गया वो सीधे लॉन्च करता है तो आप लोग भी सीधे लॉन्च करिए ये मत सोचे कि अच्छा पहले जमीन बनाए कि पैर रख पाए ये सब बकवास बात है सीधे लॉन्च करना है ठीक है चले तो इसको देखिए और ये बहुत सही लगा हमको देख के और ऐसा माइल जो है कपिल देव कपिल देव जो कि हम लोग ज्यादा इनको एज अ बैट्समैन जानते हैं और ये श्रीनाथ जो हैं ये अचीव कर चुके हैं नॉट जस्ट क्रिकेट और रिपोर्टर्स मैगज रिपोर्टर्स जर्नी ये प्रदीप मैगजीन लिखे हैं सुनील गवास्कर को एस जे एफ आई मेडल मिला है ठीक है सुनील गवास्कर को गुफी गुफी जो है ये इनकी ब्रांड एम्बेसडर इंबास्ट बन एम्बेसडर बन गई हैं स्मृति मंदाना ये बहुत अच्छी लगती हैं मैंने इनको फर्स्ट टाइम अच्छे से सुना था जब ये केवीसी में आई थी करोड़पति में ठीक है तो उसके बाद आप देखें वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट क्रिकेट टेस्ट क्रिकेटर जिनका निधन हो गया है ये एल एन एसे है एल का निधन हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जल्दी से आंसर बताइए <laughs> हाँ दो या तीन दिन पहले बता दिया था सब कुछ मैं बता देती हूँ मैम ये क्लास पर डे चलेगी पर डे चलेगी बिल्कुल चलेगी ठीक है चलें जल्दी से आंसर बताइए अब मजा आ रहा है ना क्लास में धीरे धीरे कुछ कुछ अच्छा लग रहा है देखिए विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च अ फाइव ईयर प्लान टू बिकम द सेंटर देखिए कल भी इसका फोटो भी दिखाए थे फोटो दिखाई देना कि चाइना जो है देखिए आप लोग ना अगर क्लास में मजा लेना है तो हम बताते क्या करो जैसे आज जो शुरू में दस न्यूज बताते हैं ना टुडे वाला उसको ध्यान से सुनिए वो या तो आज पूछेंगे ठीक है हिंदी में लिख रहे हैं या तो कल पूछेंगे तो इसलिए जो शुरू वाला न्यूज बताते हैं उसको ध्यान से सुना कीजिए तो यहाँ पे देखिए चाइना है चाइना ने बोला कि भाई पांच साल में हम अपना प्लान बना लेते हैं कि हमको रोबोटिक्स में बड़ा अच्छा काम करना है और रोबोटिक्स में काम करने के लिए 2025 तक हम बहुत बो, अच्छे बन जाएंगे 20% परसेंट तक का ग्रोथ कर लेंगे 2021 से 2025 तक और ये बोलने वाला जो है चाइना है और ये इनकम एक हंड्रेड बिलियन युआन ऑपरेटिंग इनकम जो है इतना ये कर लेगा रोबोटिक्स में फिर आप देखें और कुछ मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी जो है माइक्रोसॉफ्ट बन गया है इन टर्म्स ऑफ पैसा और उसके बाद आप देखें साउथ कोरिया जो है इसने फर्स्ट फ्लोटिंग सिटी 2025 में जो बनाया है वो साउथ कोरिया बनाया है ये भी हम बता चुके हैं आपको पहले और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डार्ट मिशन डार्ट मिशन क्या करता है छुद्र ग्रह जितना रहता है जितना एस्ट्रॉइड रहता है उससे अपने सैटेलाइट का टक्कर करा देता है और उसके बाद वो क्या होता है वो सैटेलाइट जो है चकनाचूर हो जाता है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन ये देखिए लंबा सा है लेकिन आपको आंसर पता है क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने किया है चले किसको पापा से बात करना है क्या हो गया निधि हमसे बताओ आजकल ना हम पढ़ाने के चक्कर में आप लोगों का बात नहीं सुन पाते हैं पर पढ़ाते भी तो इसीलिए ताकि आप लोग जल्दी जल्दी ज्यादा चीज जान लें अच्छा जिसको कुछ भी बोलना होगा तो हमको मैसेज कर देना ठीक है आप लोगों को पता है मैसेज कहाँ करना है वहां पे हम लोग बात कर लेंगे इस बारे में फिर आप देखें कि ये केरला अभी हम बताए कवासु ठीक है जो है इसको मिल गया है ये अवार्ड और अभी अभी पढ़े हम लोग कंजर्वेशन अवार्ड जो है ऑल इंडिया ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोग्राम 2021 का हो गया है फिर नेक्स्ट आप देखें और कुछ इंपॉर्टेंट चीज अगर आपसे पूछा जाएगा विमेन ऑफ द ईयर अवार्ड वर्ल्ड एथलीट्स में किसको मिला है अंजू बॉबी जॉर्ज को मिला है ये तो आप जानते ही हैं इनके बारे में और हिमाचल प्रदेश जो है इसको हिमाचल प्रदेश में स्टेट पुलिस स्टेट पुलिस हैज बीन अवॉर्डेड प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड तो कहाँ का स्टेट पुलिस हिमाचल प्रदेश का फिर रूपेश गोपाल जो है ये यंगेस्ट जियो स्पेशलिस्ट ठीक है जियो स्पेशलिस्ट साइंटिस्ट है क्लियर है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है डॉक्टर ईदा एस सुकदर ओडेशन अवार्ड जो अजीम प्रेम जी को दिया गया है ईदा एस सुकदर ओडेशन अवार्ड ठीक चले सबको ध्यान रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है देखिए बहुत बड़ा आसान सा क्वेश्चन है हु हैज बीन द फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई फॉर टू डिफरेंट इवेंट ऑफ रिसेंटली हेल्ड विंटर ओलंपिक्स इन बीजिंग तो देखिए थोड़ा पिक्यूलियर है ये जो है पहले भारतीय बन गए हैं जो कि बीजिंग में विंटर ओलंपिक्स जो होने वाला है इसमें दो दो इवेंट के लिए ये क्वालिफाई किए हैं अब इनका नाम आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताए हां अच्छा मैसेज कहां करना है बंटी शर्मा तुमको नहीं पता इतने दिन में हद हाल है हाँ बिल्कुल तो इनका नाम क्या है ये देखिए जम्मू कश्मीर के ये अल्पाइन स्कीयर है अभी बड़ा फेमस हो गए ये अल्पाइन वाले ठीक है तो ये मोहम्मद आरिफ मोहम्मद खान है जिन्होंने फर्स्ट इंडियन है ये और ये क्वालिफाई किए हैं दो अलग अलग इवेंट के लिए तो ये भी अब दो दो मेडल लेके आएंगे हमारे देश के भी लोग ऐसे होंगे जो दो दो मेडल दो दो गोल्ड लेके आएंगे चार फरवरी नेक्स्ट ईयर नहीं हो जाएगा ये 2022 हो जाएगा और ये क्वालिफाई किए हैं फॉर द सेकेंड इवेंट अ मंथ आफ्टर द बुकिंग हो रहा है इनका अल्पाइन का टिकट लगेगा इनको चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन के पहले आप देखें वाटर स्पोर्ट्स के बारे में पूछा जाएगा इन एडवेंचर इंस्टीट्यूट ये आईटीबीपी द्वारा खुल रहा है ये कहा है उत्तराखंड में है उसके बाद ईमा रकादू कानू ठीक है रकादू कानू जो है रा, रादू कानू जो है इनको मिल गया है ये बन गई है बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर ये आप बताइए कि ये क्या खेलती हैं कौन सा स्पोर्ट्स खेलती हैं ईमा रादू कानू उसके बाद आप बताएंगे कि जर्मनी जो है इसने किसको हरा के डिफीटेड हुम टू विन द जूनियर हॉकी तो जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप जर्मनी को हरा कर कौन जीता है अर्जेंटीना जीता अर्जेंटीना डिफीटेड तो अर्जेंटीना ही जीतेगा ना हाँ और द नेक्स्ट थिंग इज कि योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप इंडिया फर्स्ट नेशनल योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप ये कहां पर बना है तो ये बना है भुवनेश्वर में अंडरस्टूड इतना समझ में आया ज़्यादा हड़बड़ी तो नहीं हुआ एक बार बस सुनिए अगर आपको लग रहा है कि नहीं आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं दिमाग को खाली कर लीजिए मेरा बात बार बार सुनिए कल यही बात हम रिपीट करेंगे परसों आप हमको बोलना शुरू कर दीजिएगा कि मेरे को याद हो गया है अंडरस्टूड फिर आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए ग्राम उजाला प्रोग्राम किस मंत्रालय के अंदर है ग्राम उजाला प्रोग्राम क्या है ग्राम उजाला प्रोग्राम ठीक है हाँ लॉन टेनिस खेलती हैं बिल्कुल और इसका भी इनका भी फोटो दिखाए थे हम आपको तो देखिए ग्राम उजाला प्रोग्राम जो है पावर मिनिस्ट्री का है ये क्या करता है पावर मिनिस्ट्री कि एलईडी बल्ब जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है बोल रहा है कि तीन साल में तीन साल में दस रुपए का जो एक एक बल्ब आता है इसको हम पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कितना डिस्ट्रीब्यूट करने का बात कर रहा है पचास लाख बल्ब डिस्ट्रीब्यूट करेगा कौन ग्राम उजाला प्रोग्राम जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आता है उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे विच एशियन कंट्री रिसेंटली अनवील्ड नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी तो यहाँ पे अपना नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बताने वाला कौन सा देश है ये बताइए थोड़ा सा आप लोग लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि हमको पता चल जाए कि द तो सेशन इज गुड ठीक है ये ना अवार्ड होता है प्रेसिडेंट कलर अवार्ड जो है ना ये अवार्ड होता है जैसे मान लीजिए कहीं का पुलिस बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उसको प्रेसिडेंट कलर दिया जाता है ठीक है अवार्ड का नाम है हिमाचल प्रदेश के पुलिस को दिया गया है ठीक है एक तो मेरा नाम आप लोग गलत लिखते हैं मेरा नाम देखिए ये है मेरे नाम से सर्च करिएगा हम मिल जाएंगे लेकिन फेसबुक पे नहीं मिलेंगे व्हाट्सएप पे भी नहीं मिलेंगे इंस्टाग्राम पे बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे टिंडर हम आज तक देखे ही नहीं है और क्या होता है ट्विटर पे भी नहीं मिलेंगे बचा जो ठीक है उसी पे मिलेंगे ठीक चले तो इनका ये कौन सा है पाकिस्तान तो इसने बोला है नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी ठीक है तो पाकिस्तान ने दिया है अपना पहला नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी विच इम्फेसिस द इकोनॉमिक प्रोग्रेस शुड बी देंटर यानी की इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है वो सेंटर पे होना चाहिए एक बड़ा अच्छा डायलॉग मारा था ना रणबीर सिंह सूर्यवंशी मूवी में अभी अभी हम देखे इसलिया बहुत बढ़िया फिर आप देखिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वॉज पास विच ईयर ये बताइए द लेटेस्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो किस साल पारित हुआ है ये बताए आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में किस साल पारित हुआ है जो लेटेस्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 2019 में हुआ है अब ये हम क्यों बता रहे हैं क्योंकि ध्यान से सुनिए यूनियन गवर्नमेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कंफर्ड बाई द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट दो हजार उन्नीस हैज नोटिफाइड द कंज्यूमर डिरेक्ट सेलिंग रूल दो हजार इक्कीस ठीक है तो एक्ट दो हजार उन्नीस का है उसी में ये नया रूल जोड़ दिया है जो कि दो हजार इक्कीस का है तो इसको ध्यान रखिएगा ठीक है और ये सब आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा अपने से वरना हम पढ़ेंगे तो आप लोग भाग जाइएगा उसके बाद आप देखें कि कौन सा स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है जिसने एक बिल पास किया है मोर पावर ये क्या हो गया वन सेकेंड आई एम कमिंग जस्ट आप लोग वेट कीजिए दो मिनट में आ रियो में थैंक यू थैंक you. सो आई एम वेरी बैड एट दिस टेक्नोलॉजी और ये सब होता है तो मैं अचानक से डर जाती हूँ सड़ाए, और ये इन्होंने सॉल्व कर दिया है बहुत बढ़िया चले तो देखे विच स्टेट लेजिस्लेचर काउंसिल हैज पास अ बिल टू गिव मोर पावर टू हायर एजुकेशन मिनिस्टर्स इन द स्टेट रन वर्स वेर सिटीज तो ये बताएं इसका आंसर क्या होगा ओके सो आई एम एक्चुअली पेंटिंग तो देखिए इसका आंसर क्या है महाराष्ट्र है महाराष्ट्र ने अभी अभी ऐसा बिल पास किया है और महाराष्ट्र ने यह बिल पास किया है ये थर्ड अमेंडमेंट भी डाल दिया है कि हायर एजुकेशन के लिए महाराष्ट्र कुछ काम करेगा क्लियर चले देखे फिर पूछा जा रहा है कि एज पर द रेटिंग ठीक है रेटिंग किस चीज का आईसीआर वॉट इज द एस्टिमेटेड रियल जी डी पी ग्रोथ ऑफ इंडिया देखिए रियल जी डी पी और नॉमिनल जीडीपी में डिफरेंस होता है इसके लिए इकोनॉमिक्स बाइट लाना पड़ेगा वहां से आपको समझ में आएगा लेकिन अभी आप इसका आंसर दें किसने किसको डिस्टर्ब कर दिया बहुत जल्दी आप लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं यार तो ये देखिए नाइन परसेंट है भारत का रियल जीडीपी इसको ध्यान रखेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे आईसीआरए क्या है रेटिंग एजेंसी है जिसने बोला है 2022 के लिए भारत का रियल जीडीपी जो है नाइन परसेंट रहेगा हम लोग के शेप डाइवर्जेंस में चलेंगे के शेप आप समझते देखिये यू शेप क्या होता है जैसे पहले कोई कंट्री ऊपर था फिर धीरे धीरे नीचे गया और फिर ऊपर जा रहा है वी शेप में होता है कि अचानक से ऊपर गया अचानक से नीचे गया फिर एक डब्ल्यू शेप होता है ठीक है कि ऊपर गया जैसे कोविड में अभी हम लोग यहाँ लेकिन हम लोग फिर नीचे आएंगे और फिर ऊपर जाएंगे लेकिन इसने कहा है कि हम के शेप में चलेंगे यानी कि हम धीरे धीरे इंप्रूव ही करते जाएंगे अंडरस्टूड है तो ये नाइन परसेंट है सेक्स रेशियो एट बर्थ ये देखिए सेक्स रेशियो एट बर्थ अभी तो हम लोग ठीक है वन जीरो पे है लेकिन सेक्स एट बर्थ कितना है 2020 हजार बीस में भारत का ये बताइए आप लोग कि 2020 हजार बीस में भारत का सेक्स एट बर्थ कितना है तो 937 है 937 भारत का सेक्स रेशियो है देखिए यहाँ पे 19 पॉइंट्स ऑफ नेशनल लेवल्स पे आपको ध्यान देना है कि 2014-15 में हम 918 थे अब हम 937 हैं 2020-21 -20 में साल खत्म होते-होते दिस इज वाज अनाउंस्ड बाय किसके द्वारा विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आंदोलन जो है वो बहुत बढ़िया काम किया है और 640 डिस्ट्रिक्ट कंट्री ये कह रहा है कि हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं पोषण को ट्रैक किया जा रहा है प्रधानमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं बेटियां जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, ये एक ब्रीड है ये ब्रीड आप बताएं कहाँ मिलता है? तेली ब्रीड, तेली ब्रीड जो है ये विच वॉज ऑफन सीन इन न्यूज इज रजिस्टर्ड नेटिव चिकन ब्रीड ये किस स्टेट की है ये जो तेलीचेड़ी तेलीचेड़ी बड़ा अच्छा फोटो होगा कल बहुत अच्छा लगा मेरे को कि एक बर्ड का फोटो मेरे को मिला ग्रुप में आज वही स्टूडेंट जो है तेलीचेड़ी ब्रीड का फोटो भेजेगा ठीक है तो ये केरला के है ठीक है केरला का ये पक्षी है तेलीचेड़ी ब्रीड यहाँ पे देखिये ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड यही जो कवासु के बारे में भी बात हुआ है ना तो कवासू में ही ये ये बर्ड का ब्रीडिंग हो रहा है अंडरस्टूड है फिर आप बताएं विच इज इंडिया फर्स्ट लार्ज स्टेट टू रिकॉर्ड हंड्रेड परसेंट डोज वैक्सीनेशन सौ प्रतिशत तक ये डोज लगा चुका है कौन सा स्टेट है तेलंगाना है जिसने बोला कि हम सौ प्रतिशत तक लगा चुके हैं डोज और आपको पता है ना कि कोवैक्स वैक्सीन जो है अब 15 से लेके 18 साल के बच्चों को लगेगा हमारे देश में 10 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जो इस एज ग्रुप में आते हैं फिर नेक्स्ट जो है आप देखें कि कंट्रीज़ फर्स्ट लार्ज स्टेट टू रिकॉर्ड 100 परसेंट फर्स्ट डोज और द स्टेट हैज वैक्सीनेटेड 2.77 करोड़ तो इस स्टेट ने इतना इतना जो है दवाई लगा दिया है फिर आप देखेंगे वॉट इज द मोस्ट इनोवेटिव एजुकेशन सॉरी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया इन द टेक्निकल कैटेगरी देखिए ये कल हम बताए हैं द्वारा सबसे जो हाईएस्ट पॉइंट पे है टेक्निकल कैटेगरी में वो कौन सा इंस्टीट्यूट है भारत का ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए जल्दी बताओ यार ठीक <coughs> है तो ये है आईआईटी मद्रास जिसको भी जिसके भी भाई बहन को इस बार आईआईटी मद्रास में पढ़ने का मौका मिला है मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन और ये ए आर ए ए आर ए ए आर आई आई ए द्वारा बेस्ट है कल मैंने इसका भी फोटो दिखाया है फिर आप देख ले क्या है अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट आईआईटी मद्रास जो है उसको मोस्ट इनोवेटिव एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो भारत का टेक्निकल कैटेगरी में है ये अवार्ड मिल चुका है और इसके बाद आईआईटी बॉम्बे जो है सेकंड रैंक पे है और यहाँ पे आप ये कलिंगा इंस्टीट्यूट जो है इसको भी ये अवार्ड मिला है अंडर नॉन टेक्निकल इंस्टीट्यूशन टॉप किया गया है आई एम कोजिकोडे द्वारा फिर आप नेक्स्ट देखें कि नीति आयोग जो है उसने रिलीज किया है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट तो यहाँ पे ये जो एस इंडेक्स है नीति आयोग ने किसके सपोर्ट से इसको इंट्रोड्यूस किया है ये बताएं आप लोग थोड़ा लाइक कर दीजिए है ना सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे उसका टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है बस आप लोग थोड़ा सा थो 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 लाइक कर दीजिए ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके चलिए तो यहां पे देखिए यूएनडीपी और नीति आयोग इसको ध्यान से याद रखिएगा इस बात को क्योंकि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूएनडीपी और नीति आयोग ने नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट एस इंडेक्स जो है इसको जारी किया है नीति आयोग ने यूएनडीपी के साथ फिर आप देखें नीति आयोग ने यूएनडीपी के साथ इसको जारी कर दिया है और यहां पे प्लानिंग वेरियस डेवलपमेंट एंड वेलफेयर एक्टिविटीज यहां पे इसको चेक किया जाएगा फिर आप देखें एक मछली के बारे में पूछा जा रहा है देखिए ये सब पूछा जाता है चिड़िया मछली फतिंगा जो भी चीज है ये पूछा जा रहा है तो मछली वॉज डिक्लेयर एक्सटिंक्ट और री इन विच कंट्री ये टेक्यूला ये तो टकीला शॉट्स मारा जाता है ठीक है ये मछली का नाम है ये कहाँ पे मिला है तो ये देखें ये मिल गया है आपको फिर से मेक्सिको में ये मछली फिर से मिल गई है टेक्यूलिया मछली इसका नाम है जूगोजेंटिकस टेक्यूलिया मछली इसका नाम है और ये मछली जो है विच ग्रो ओनली अप टू 70 एम mm एम bred ब्रेड इन एन एक्यूरियम और ये इंग्लैंड में उसको फिर से अभी मतलब फिर से ब्रीड किया जा रहा है लेकिन री हुई है मेक्सिको में ध्यान रखेंगे इस बात को कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो वुमेन एंड गर्ल लेफ्ट बिहाइंड ग्लेडिंग गैप्स इन पैंडमिक रिस्पॉन्स रिपोर्ट ये जारी कर रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट आप कोई भी एग्जाम देंगे ना तो उसमें रिपोर्ट्स पूछा जाता है तो कोविड में बहुत सारी औरतें और बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो गायब हो रही हैं और इस बारे में ये रिपोर्ट बता रहा है आप इस रिपोर्ट का नाम बताइए पहले जल्दी से है ना तो रिपोर्ट का मतलब रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जा रहा है तो यह जारी किया जा रहा है किसके द्वारा यूनाइटेड नेशन विमेन्स ठीक है यू एन द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया है कि यह रिपोर्ट टाइटल विमेन एंड गर्ल्स लेफ्ट बिहाइंड छूट गई है ग्लेरिंग गैप्स इन पैंडमिक रिस्पॉन्स ये रिपोर्ट इनके द्वारा जारी किया जा रहा है और विमेन वर लेस लाइकली टू रिसीव कोविड नाइन्टीन रिलीफ फ्रॉम गवर्नमेंट ये कह रहा है कि औरतों को uh, सरकार जो है कम राहत दे रहा है एटलीस्ट ट्वेंटी वर्किंग मदर्स लिविंग विद देयर चिल्ड्रेन लॉस देसेंट तक जो है वुमेन अपना जॉब छोड़ दी और बीस परसेंट तक वुमेन जो है वर्किंग मैन लिविंग विद देयर चिल्ड्रेन कंपेयर टू और सिर्फ बीस परसेंट का मैन का नौकरी गया है और उनतीस परसेंट वुमेन का नौकरी गया है ठीक है सिंगल विमेन के बारे में भी यहाँ पे बात हुआ है फिर आप बताएं विच इंडियन पेस बॉलर अचीव द माइल स्टोन ऑफ टू हंड्रेड विकेट ये आप जानते हैं कि मोहम्मद शामी है मोहम्मद शामी ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ फाइनली 200 विकेट का अपना बना लिया 55 टेस्ट में कपिल देव ने 435 विकेट्स लिया ईशान शर्मा ने 301 जाहिर खान ने 311 और यहां पे 236 जो है श्रीनाथ ने लिया है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें विच फुटबॉल लेजेंड स्टेचू हैज अनवील्ड इन पंजी गोवा आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन दिस क्वेश्चन तो आप लोग को पता चल गया होगा कि अगर मैं बड़ा खुश हो गई थी इस क्वेश्चन का आंसर देख के तो आंसर क्या होगा बिकॉज आई एम अ फैन ऑफ जो भी हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं उनको पता है दैट आई एम अ फैन ऑफ हुम तो उनका ही हुआ है क्रिस्टियानो रोनाल्डो है ये उसके पहले नया साल का नया उम्मीद जो है आप लोग के अंदर जगाना है कुछ रिजल्ट आए हैं जो कि हो सकता है कि पॉजिटिव नहीं है कोई बात नहीं देखो रिजेक्शन होते रहेगा ठीक है वो लड़की नहीं मानी फिर अगले को प्रपोज करोगे वो नहीं मानेगी अगले को प्रपोज करोगे ऐसा तो नहीं कि शादी नहीं करोगे तो अगर एक नौकरी नहीं निकला तो उसके बाद दूसरे का कर तैयारी करोगे वो नहीं निकला तो तीसरे का तैयारी करोगे ऐसा तो नहीं है कि नौकरी नहीं लोगे तो नौकरी लोगे तो क्यों ना हम लोग जल्दी नौकरी ले ले लड़की कब मानेगी जब आप अपने आप को इम्प्रूव कर लेंगे इंग्लिश बेटर कर लेंगे नौकरी ले लेंगे थोड़ा तो पर्सनालिटी ले आएंगे तो वैसे ही नौकरी कब मानेगा जब आप अपने आप को उस लेवल पर ले जाएंगे और उस लेवल पर आपको कौन लेके जाएगा हम लोग लेके जाएंगे अगर आप जल्दी से हमारे कोर्सेज में आ जाते हैं सतहत्तर का डिस्काउंट हम आपको दे रहे हैं वाई का कोड दे रहे हैं अड्डा के ऐप से आप लीजिएगा तो 78 परसेंट का डिस्काउंट मिल जाएगा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ठीक है तो मिशन जो है 2022 में सेलेक्शन का रिजोल्यूशन आप ले लें फ्लैट 77 परसेंट का ऑफ है और ऑफर जो है जल्दी ही समाप्त हो जाएगा तो जल्दी से आओ यार कहा तो देख लें ये महापैक है वैसे अलग अलग पैक्स भी है सीडीएस डी का एक कोर्स चल रहा है सीडीएस का कोर्स शुरू हो चुका है एफ का कोर्स चल रहा है ये भी शुरू हो चुका है बहुत जल्दी एक्स वाई ग्रुप भी दिख जाएगा आपको तो अगर आप महापैक लेते हैं तो सारे कोर्सेज आपको एक ही जगह दिख जाएंगे ठीक है वाई कोड है है का डिस्काउंट तो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो जिनको पंजी गोवा में इनका स्टैचू बना है रोनाल्डो से नहीं मिल पाए तो सोच रहे हैं जाके स्टैचू ही देखा है, है ना तो स्टैचू ही देखा है हम ऐसा सोच रहे हैं आप लोग को भी मन होगा तो देख लीजिएगा चार सौ दस के जी का ये है बारह लाख रुपए का यह स्टैचू है देख लीजिए फिर आप बताएं यहां पे कि द आर्म स्पेशल फोर्स द आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट अफ्सपा जो है इसको फिर से एक्सटेंड किया गया है अनदर छ महीना के लिए यह भी अलग ही प्रॉब्लम चलते रहता है फर्स्ट नौकरी देन छोकरी ओके okay. ठीक है ये बताएं ये कौन सा अफसपा जो है कहाँ एक्सटेंड हो गया कल हार गया था लेकिन रोनाल्डो मैनचेस्टर्स के टीम के लिए क्या करोगे कोई हारता है कोई जीतता है तो यहां पे देखिए ये अफ्सपा जो है नागालैंड में इसको फिर से छह महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया अफ्पा को और यहाँ पे सारे विलेजेस वगैरह में अभी ये रहेंगे और ये इंट्रोड्यूस कब हुआ था द लॉ वॉज इंट्रोड्यूस बाई द ब्रिटिश टू सरपास क्विट इंडिया मोमेंट और हम लोग भी अब इस लॉ को यूज कर रहे हैं अभी अच्छी बात है कि बुढ़ी ये बात तो चर्चा की है देखा जाएगा न्यू पॉलिसी फॉर वुमेन 2021 किस स्टेट में आया है ये बताएं जल्दी से कमेंट सेक्शन में हरे अब थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर बताओ यार इकेटी कोर्स भी उसी में है महापैक में ही है इकेटी कोर्स टेक्निकल कोर्स जो है ना उसका एग्जाम जो एफ कैट के लिए होता है वो उसी में महापैक में ठीक है तो ये तमिलनाडु गवर्नमेंट है जिसने कहा है कि विमेन के लिए अलग से पॉलिसी इंट्रोड्यूस करेंगे कंपलसरी मार्शल देखिए मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग फॉर स्कूल एंड कॉलेज विमेन को अपना सेल्फ प्रोटेक्शन आना चाहिए ये तमिलनाडु सरकार कह रहा है बहुत अच्छा बात है और 50 एडिशनल परसेंट डे अंडर मनरेगा फॉर ऑल सिंगल विमेन एंड विमेन हेडेड हाउस यानी कि जहां पे औरत जो है वो मुखिया है अपने घर की उनको और सिंगल विमेन को पचास दिन का मनरेगा मिलेगा ही मिलेगा और फिर यहाँ पे देखिए मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फ्रेंडली यानी कि अगर वुमेन ट्रेवल कर रही हैं तो उसको फ्रेंडली बनाने का कोशिश किया जा रहा है ठीक है 33.3 परसेंट रिप्रेजेंटेशन इन रजिस्टर्ड पार्टीज होनी चाहिए वुमेन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि ये बताएं कॉम्पेंडियम ऑन द इनोवेशन ऑन टेक्नोलॉजी ये किस इंस्टीट्यूट द्वारा रिलीज किया गया है तो ये रिलीज़ किया गया है नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने रिलीज किया है टेक्नोलॉजी के लिए इनोवेशन फॉर यू आपके लिए इनोवेशन कर रहे हैं जैसे तो हम कर रहे हैं ना कभी नया क्वेश्चन ला रहे हैं कभी नया टॉपिक ला रहे हैं कभी कुछ ना कभी कुछ ताकि आपको कुछ तो पसंद आ जाए तो इनोवेशन कर रहे हैं ताकि स्टार्टअप्स जो हैं वो अच्छा काम करें किस फील्ड में एग्रीकल्चर एंड एलाइड यानी कि पशुधन और पशुपालन और एग्रीकल्चर के फील्ड में अच्छा करे और यहाँ पे सत्तर स्टार्टअप को सपोर्ट किया जाएगा अटल इंक्यूबेशन सेंटर के लिए अंडरस्टूड है फोर्टी वन इनोवेशन फ्रॉम अटल थिंकिंग लैब अंडरस्टूड क्लियर है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जल्दी से आंसर बताइए द इंडियन आर्मी क्वांटम कंप्यूटिंग लैबोरेटरी सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये कहां पे सेटअप किया गया है तो यह सेटअप किया गया है आपको पता है ये मध्य ये प्रदेश में है और इसी जगह कौन पैदा हुआ था संविधान जिसने लिखा है बताइए नाम उनका जल्दी से ठीक है तो यहां पे क्वांटम कंप्यूटर कंप्यूटिंग के लिए मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में यह इसको स्टैब्लिश किया गया है फिर वर्ल्ड टॉप प्रोड्यूसर ऑफ रेयर अर्थ मटेरियल यह बताएं कौन सा ऐसा देश है जो कि दुनिया का टॉप प्रोड्यूजर है रेयर अर्थ मटेरियल के लिए यस हरिअप यू कैन डू इट जल्दी बताएं तो ये चाइना है भाई ठीक है तो चाइना जो है ये टॉप प्रोड्यूसर है रेयर अर्थ मटेरियल के लिए हाँ दूसरे का सारा एरिया छेक लेगा तो कुछ ना कुछ तो नया मिल ही ना जाएगा तो ठीक है ये यही है और थ्री स्टेट ओन्ड रेयर अर्थ रेयर अर्थ कंपनी जो है टू फॉर्म अ न्यू एंटिटी चाइना रेयर अर्थ ग्रुप्स ये बोल रहा है खैर वट एवर इट इज नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि विच टू कंट्रीज आर क्लेमिंग देखिए इसके बारे में हम एक अलग से सेशन भी लाए थे प्लेसेज इन न्यूज में सेंट काकू आइलैंड के बारे में हम सेशन लाए हैं अगर आपने मेरा प्लेसेज एंड न्यूज इन न्यूज नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा सी वाले बैच में आपको मिलेगा ठीक है तो ये देखें चाइना ईस्ट चाइना सी, सी है और ये चाइना और जापान है सनकाकू आइलैंड कहाँ कहाँ है चाइना और जापान के बीच में आपका सेनकाकू आइलैंड है काफी डिटेल में मैंने आपको बता दिया है सेनकाकू के बारे में फिर आप देखें के एस एल वी टू नूरी रॉकेट नूरी जो है साउथ कोरिया का ये आपको बताए है, है ना नूरी देखते ही आप क्या टिक करिएगा साउथ कोरिया टिक करिएगा और ये अपना पहला रॉकेट पहला इंडिजीनियस रॉकेट बनाया है साउथ कोरिया नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कंट्री हैज बेटर हेल्थ स्मोक फ्री कैंपेन बेटर हेल्थ स्मोक फ्री कैंपेन किस कंट्री द्वारा लॉन्च किया गया है ये बताएं आप लोग तो ये है यूके गवर्नमेंट इसने स्मोक फ्री कैंपेन शुरू किया है ताकि इन्वायरमेंट के लिए और एडल्ट स्मोकर ऑन यंगर पीपल देखिए जब आप देखेंगे कि आपके घर में कोई भैया स्मोक कर रहे हैं पापा स्मोक कर रहे हैं अंकल स्मोक कर रहे हैं तो आपको लगेगा ये नॉर्मल बात है लेकिन किसी ऐसे घर में जिसने कभी स्मोक नहीं देखा है तो उसके लिए बड़ा मतलब पिक्यूलियर चीज़ लगेगा तो वो कभी स्मोक नहीं करेगा वो इंसान तो इसी को देखा गया है कि अटल अडल्ट को अगर मना किया जाए तो यंगर भी स्मोक नहीं करेंगे और ये क्वेश्चन का आंसर जो है ये आप हमको होमवर्क में देंगे और हम कमेंट्स देखेंगे कि कितने बच्चे जो हैं आंसर दे रहे हैं कि नहीं सिर्फ छह से सात बच्चे आंसर दे रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो आप लोग आंसर दीजिए और अगर सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज आप लोग लाइक कर दीजिए दस बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग लाइक कर दें थैंक यू फॉर वॉचिंग और रोज मेरे साथ बने रहें हैं आठ बजे करेंट अफेयर्स गारंटी भाई तुम रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम दो सीबीटी का एग्जाम दो या फिर डिफेंस के लेफ्टिनेंट का एग्जाम दो सीडीएस का एग्जाम दो करंट अफेयर्स नहीं छूटेगा उसका गारंटी हम ले रहे हैं और आप लोग इसी तरह से मेरे साथ बस बने रहिए लाइक like कर दीजिए शेयर कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर आप देखिए क्या होता है करंट अफेयर्स कोई पूछेगा ना क्वेश्चन पूछने के पहले आंसर आ जाएगा ठीक है सो ऑल द वेरी बेस्ट थैंक यू फॉर द सेशन बिल्कुल एनडीए बैच आपको मिल जाएगा अड्डा के स्टोर पर ही मिल जाएगा ठीक है सारे बैचेस आपको मिल जाएंगे आप महा पैक ले सकते हैं उसके लिए वरना अगर आपको मतलब पर्टिकुलरली कोई एक बैच लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं ठीक है थैंक यू